जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए बेहद चिंतित भी है, उसको लेकर पूरे जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में यूथ कांग्रेस अपने युवा साथियों के साथ मिलकर कन्वेंशन कर रही है और ये उनकी भावनाओं से अवगत होने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर में कैसे यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर सीनियर कांग्रेस के मार्गदर्शन में एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा एजिटेशन मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सके। मजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ के चाहे मिनिस्टर हों चाहे एमएलए हों, जो सिटिंग है, जिस तरीके से 2.5 साल में उन्होंने मजौरी को तबाह बर्बाद किया डिस्ट्रिक्ट को, उसके बारे में नौजवान जो है वहाँ बैठे हुए हैं और आज के बाद मजौरी का जो नौजवान है, ग्रोथ कांग्रेस का जो नौजवान है, वो गाँव गाँव जाएगा और इस सरकार PDP और BJP के खिलाफ जो 2.5 साल 3 साल में इन्होंने मजौरी के साथ नाइंसाफियाँ की हैं, उनके लिए जो है वो आवाज़ उठाएगा। मैं आज आपकी रसादत से, मैं यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रजौरी के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट का काम जो कि 2014 में हमने स्टार्ट करवाया, 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ, आज 2.5 साल से पैसा उसका पड़ा हुआ, लेकिन आज 2.5 साल में रजौरी का MLA जो है उसका काम जो है वो स्टार्ट नहीं करवा।